नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ, सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, चैप्टर 9, कैसा सुर। कैसा सुर में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? कैसा सुर में पहला वीडियो था, वो सब्जी का परिचय था। उसके बाद का जो वीडियो था उसमें हमने पाठ की समझूती ली, तीसरे पार्ट में भी समझूते ली। उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर रीड किए, उसका सॉल्यूशन निकाल लिया। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा सज्जता। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? भाषा सज्जता। उसमें नीचे लिखा है विशेषण, पेज नंबर 68 निकालो अपनी किताब में से। पहले पेज नंबर 68 निकालो। 68 यानी यह वाला, राइट? 68 क एक, मनोज ने गाजर खाया। ख में लिखा है मनोज ने बड़ा गाजर खाया। दूसरा वाक्य है टोकरी में शकरकंद है। दूसरे में यानी कि ख में दूसरा, टोकरी में मीठा शकरकंद है। तीसरा, घोड़ा दौड़ता है। तीसरा ख में, काला घोड़ा दौड़ता है। नंबर 4, गाय चरती है, सफेद गाय चरती है, सामने लिखा है ना। नंबर 5, लड़के पढ़ते हैं। ख में नंबर 5, 3 लड़के पढ़ते हैं। 6, गिलास में दूध है। ख में 6, गिलास में थोड़ा दूध है। उसके नीचे का मैं पढ़ती हूँ। आप जानते हैं कि विभाग क के वाक्यों में निर्देशित शब्द यानी कि जो लाइन अंडरलाइन की है वह गाजर, शकरकंद, घोड़ा, गाय, लड़के, दूध, ये संज्ञाएं हैं। अब संज्ञाएं किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पेज नंबर अपने किताब में 51 निकालो। देखिए ए पेज 51 में नीचे लिखा गया है भाषा सज्जता है अभ्यास 1 है। अपना नाम लिखिए, अपने गांव शहर का नाम लिखिए, अपने दोस्तों के नाम लिखिए, किन्हीं 4 नदियों के नाम लिखिए, किन्हीं 3 पर्वतों के नाम लिखिए। नीचे दिया गया है अपने जो उपयुक्त नाम लिखे हैं उसे संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो नाम होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। देखिए यहाँ पर संज्ञा में गीता सुंदर है। सुंदर क्या हुआ? सुंदर संज्ञा में। रास्ता लंबा है, लंबा संज्ञा है। धोराजी स्वच्छ है, स्वच्छ क्या है? संज्ञा है। इसे क्या कहेंगे हम? संज्ञा। 25 रुपये दीजिए, रुपये संज्ञा है। कौवा काला होता है, काला संज्ञा है। उसके बाद देखिए हमें अब नीचे की लाइन दोहरानी है। संज्ञा हमने सीख लिया, पेज नंबर फिर से 68 निकालो। इन संज्ञाओं की विशेषता बताने वाले, जैसे कि बड़ा, मीठा, काला, सफेद, 3 और थोड़ा, अतः ये विशेषण है। विशेषण कहते हैं उसकी व्याख्या नीचे दी गई है। संज्ञा शब्द की विशेषता बताने शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा है ये जो नाम है उसे विशेष बताना है, यानी कि उसे आगे कैसा है वह दिखाना है, तो उसे विशेषण कहते हैं। मनोज तो है, मनोज क्या कर रहा है? गाजर खा रहा है। गाजर संज्ञा में ले सकते हैं। और गाजर कैसा है? बड़ा। कैसा कितना? जो क्वेश्चन बदल दो वाक्य उसको क्वेश्चन में बदल दो। हमारी बुक में देखो मनोज बड़ा गाजर खा रहा है, मनोज गाजर खा रहा है, मनोज कैसा गाजर खा रहा है? मनोज बड़ा गाजर खा रहा है, यानी कि बड़ा विशेषण है। उसके बाद टोकरी में मीठा शकरकंद है। टोकरी में शकरकंद है पर कैसा है? मीठा शकरकंद है। उसके बाद काला घोड़ा दौड़ता है।
सफेद गाय चरती है। गाय तो चरती है, लेकिन गाय कैसी गाय है? कैसी? तो आंसर में मिलेगा सफेद। तो सफेद क्या हुआ? विशेष, जो वाक्य को विशेषता प्रदान करता है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। रुपये दीजिए, मुझे रुपये दीजिए, पर कितने? 25। 25 विशेषण हुआ। क्या हुआ? 25 विशेषण हुआ। रुपये तो मुझे चाहिए, पर कैसे? कितने रुपये? कितने रुपये? 25 रुपये चाहिए। वैसे लड़के पढ़ते हैं, कितने? 3 लड़के, यानी कि 3 है जो विशेष वाक्य में विशेष दर्शाता है, उसे विशेषण। एक वाक्य को मैं आसानी से आपको समझाने जा रही हूँ। पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं, तो लड़के विशेषण आप दिखाएंगे। लेकिन और एक उसमें से क्वेश्चन निकल रहा है, कितने लड़के पढ़ रहे हैं? तो 3, तो वो विशेषण हुआ। गिलास में थोड़ा सा दूध है, गिलास में दूध तो है लेकिन कितना? थोड़ा सा। तो विशेषण क्या हुआ? थोड़ा। मैं ज्यादा क्वेश्चन आपको वर्कशीट में भेजूंगी, आप फॉलो कर पाएंगे ना? यस, वेरी गुड। उसके बाद का है पेज नंबर 69, क्रिया। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ उसके बाद का जो है वह है क्रिया। क्रिया को हमें पढ़ना और समझना दोनों है। क्रिया आपकी फेवरेट है। क्रिया के बारे में मैं ज्यादा से ज्यादा आपको समझाऊंगी, उससे ज्यादा आप समझ जाएंगे। देखिए, आप अपने ये पेज निकालिए आगे का। विशेषण हमने पढ़ लिया, आप क्या पढ़ने वाले हैं? क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? पहला जो हमारा पिक्चर है, मयूरी पढ़ती है। मयूरी क्या कर रही है? पढ़ती है। हम जो कार्य करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। मयूरी पढ़ती है, इसने वो क्रिया की। क्रिया यानी गुजराती में काम, वर्क करते हैं। हम जो वर्क करते हैं, जैसे कि चलते हैं, बोलते हैं। मैडम अभी क्या कर रही है? मैम अभी बोल रही है, तो बोलना उसकी क्रिया हुआ। ओके, सोनल खाना खाती है। यदि हम खाना खाते हैं तो क्रिया करते हैं। यदि हम कोई ना कोई तो क्रिया करते ही है। ऐसे बैठे तो मैं बैठी हूँ, बैठने की क्रिया है। मैं बातें कर रही हूँ तो बातें करने की क्रिया है। क्रिया यानी कि जो हम काम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। वैसे ही मैं चल रही हूँ, मैं सो रही हूँ, सोने की भी क्रिया ही होती है ना। उसके बाद का नीचे का है, सचिन खेलता है। खेलना यानी कि क्रिया। सलीम पानी पीता है। पीता यानी कि क्रिया। पीता यानी वो वाला पीता नहीं है, हमारे पापा वाले नहीं। पीता यानी ड्रिंकिंग। जोसेफ लिखता है, लिखने की क्रिया। ऊपर दिए गए वाक्यों में पढ़ती है, दौड़ती है, खेलता है आदि शब्द क्रियाओं का निर्देश करते हैं। यह ये सब क्रियापद है। क्रियापद हमने विशेषण सीखा, पहले संज्ञाएं सीखी, बाद में विशेषण और बाद में क्रिया। जो पद किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाए, करने या होने का बोध करवाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया यानी वर्ब, वी ई आर बी। देखिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, क्या कहते हैं? क्रिया को वर्ब कहते हैं, राइट। मैं एक्स्ट्रा उदाहरण आपको दूँ, आप भी लिख सकते हो। चलो राइट नाउ, ये दूसरी बुक है मेरे पास। आसमान गिरता है, गिरता नहीं है लेकिन मेरे हाथ से बॉल गिर गया। गिरना यानी के क्रिया। फूल हंसते हैं, फूल हंसते नहीं, आपको पता है खिलते ही है, लेकिन हंसना क्या है? क्रिया है। जैसे स्माइलिंग हुई ना क्रिया। उसके बाद है मीरा फल लाती है। लाना यानी कि क्या हुई? क्रिया। कुत्ता भौंकता है, भौंकना क्या है? क्रिया। कुत्ता चल भी सकता है, वैसे कुत्ता भौंकता है। श्याम खेलता है, खेलना क्या है? क्रिया। तो क्रिया के नीचे अंडरलाइन कीजिए। नेता भाषण देता है, देता यानी बोलता है, यानी कि देता है, वह क्रिया हुई। मैं लेख लिखता हूँ, लिखता, लिखना यानी कि जो हुई क्रिया, वर्ब हुआ।
राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, देना हुआ ना, तो दिया वह क्रिया। पुलिस चोरों को पकड़ती है, दौड़ना पड़ता है ना पकड़ने के लिए, यानी कि पकड़ना क्रिया है। राम स्कूल जाता है, जाना यानी कि चल के जा सकते, ऐसे बैठ के तो नहीं जा सकते, यानी कि जाता यानी क्रिया। आपको समझ में आ गया होगा और हम जुम्मे भी उसे फॉलो करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।